आज मैंने आपके लिए लाया है वेज बर्गर की रेसिपी, अंदर से चीजी और बाहर से क्रंची। देखिए कितना परफेक्ट लुक आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी स्टार्ट करें। इसके लिए आप पैन लीजिए, जैसे पैन गर्म हो जाए फिर इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च को हम फ्राई करके लेंगे। एक बार ये फ्राई हो जाए फिर इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऑरिगैनो, और अच्छे से एक बार इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम लो पे ही रहेगा। एक बार ये मिक्स हो जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप मीडियम साइज़ के अनियन। अनियन को मिक्स करने के बाद इसे पकने देना है 2 मिनट के लिए। जैसे ये पक जाए फिर इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है फाइनली चॉप बीन्स। बीन्स को मिक्स करने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, ब्लैक पेपर और आमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करके लेना है। देखिए फ्लेम लो पे ही रहेगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत कीजिए। इन सबको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। पोहे को मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रखा था और इसे हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहिए तो कुक राइस भी ले सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया पत्ता लिया है, आप धनिया पाउडर भी ले सकते हो। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है बॉयल मटर और 3 आलू और पका हुआ गाजर। इन सबको स्मैश करके लेना है। जो हमारा मसाला रेडी है वो भी डाल दीजिए, अच्छे से स्मैशर से स्मैश कर लीजिए। फिर अच्छे से हाथ से एक बार बाइंडिंग दीजिए इसको, और इसे हम साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और कॉर्नस्टार्च, ये दोनों सेम क्वांटिटी में आपको लेना है। और यहाँ पर मसालों में लिया है लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको एक बार मिक्स करके हम इसका बैटर बनाएंगे। देखिए बैटर आपको थिक बनाना है। इस वीडियो में जैसे आपको शो कर रही है उसी तरह से आपका बैटर होना चाहिए परफेक्टली। अब मैंने यहाँ पर लिया है कोटिंग। कोटिंग के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स को 3 पैकेट लिया है, और ये कॉर्नफ्लेक्स को हम अच्छे से क्रंच करेंगे हाथों से। देखिए इस तरह से आप क्रंच करके ले लीजिए। ये हमारा कोटिंग रेडी हो चुका है। बस हमारा मिक्सचर को लेना है और रफली हम इसको बॉल्स बना के लेंगे इस तरह से, और इसको हम अच्छे से दोनों हथेली में रख के इस तरह से फ्लैट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर चीज़ को ग्रेट करके लिया है। चीज़ को अंदर से स्टफिंग करेंगे हमारे मिक्सचर में इस तरह से। स्लाइटली हम हल्के हाथों से इसे बॉल बनाना है और अच्छे से हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। इसे पेटी के शेप में देना है आपको। देखिए इतना ही आप प्रेस कीजिए, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत प्रेस कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इस तरह से आपको चीज़ को फिल करना है इसके अंदर से, और इसका हम राउंड शेप में बॉल बनाएंगे। फिर हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है, बस इतना ही, और इसे साइड में रख लीजिए आप। बाकी सारे मिक्सचर के साथ सेम स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। अब मेरे यहाँ पर बैटर रेडी है और क्रंच भी रेडी है। अब मैंने बैटर को मिक्सचर को बैटर में डिप किया है, और जो भी फॉर्क के मदद से इसे हम लेंगे और जो भी एक्सेस बैटर है वो इसे इस तरह से हम ड्रॉप आउट कर देंगे, और इसमें हम कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लेक्स के साथ। देखिए इस तरह से कोटिंग कर लीजिए, और हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है, और इसे हम बन के शेप में लाएंगे, बन के साइज में, और एक बार फिर से कोटिंग कर लीजिए। देखिए हमारा पेटी रेडी हो चुका है। इस तरह से सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। फॉक से आपको आपका जो भी एक्सेस बैटर है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, और इस तरह से आपको कॉर्नफ्लेक्स का कोटिंग करना है इजीली। और जैसे ये कोटिंग हो जाए फिर इसको दोनों हथेली में रख के हल्का सा प्रेस करना है और इसे पतला करना है। देखिए इस तरह से, देखिए कितना परफेक्ट लुक आ चुका है। यही स्टेप्स आपको बाकी सारे पैटी के साथ करना है। देखिए हमारा पैटी रेडी हो चुका है, इसे 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने बर्गर सॉस के लिए वेज मेयोनीज लिया है, और इसमें ब्लैक पेपर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टमाटो केचप डाला है। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। और साइड में मैंने ऑलरेडी तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे तेल गर्म हो जाए फिर इसमें हम पैटी ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी ना बन जाए। देखिए फ्लेम जो है लो टू मीडियम के बीच में रखिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिए।
सेम स्टेप्स आपको बाकी सारे पैटी के साथ फॉलो करना है। देखिए कितना परफेक्ट क्रंची लुक आ चुका है। अब मैंने इसके ऊपर डाला है चीज स्लाइस। इस तरह से आप इसको चीज स्लाइस प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने बर्गर बन लिया है। बन को अच्छे से आप बटर से स्प्रेड कर दीजिए और इसे हम रोस्ट करेंगे पैन में। बस ये परफेक्टली रोस्ट हो चुका है, बस इसे हम साइड में ले लेंगे। अब हम करेंगे असेंबल। असेंबल के लिए मैंने यहाँ पर जो सॉस रेडी किया था वो स्प्रेड करेंगे हमारे बन पे इस तरह से। ये यहाँ पर मैंने रेडीमेड बर्गर सॉस मिलता है मार्केट में, आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो आप जो मैं घर पे बना चुके हैं वो सॉस आप ले सकते हो। इसके बाद लेटस के पत्ते आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप मेरे तरह कैबेज के पत्ते भी लगा सकते हो। इस कैबेज के पत्ते को मैंने 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो कर रखा था और इसके ऊपर मैंने लगाया है वेज पैटी। और इसके बाद मैंने ऑनियन और टमाटर के साथ मैंने डेकोर किया है और इसके ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे। देखिए हमारा वेज बर्गर रेसिपी रेडी हो चुका है। इतना परफेक्टली लुक आ चुका है, ये टेस्ट में भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।